मेरे पास यहाँ पे एक सवाल है। सवाल क्या हमारे पास कि आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो कि आपको दिया है 3ik-4jk। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आप में से कई लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं और कई लोग हैं जो कि शायद नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन को होना जरूरी है। तो कौन कौन सी टू इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए? अगर ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टू इंफॉर्मेशन आर नीडेड। पहला तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। सो यूनिट वेक्टर होता क्या है और इसका फिजिक्स में क्या यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है। तो अगर आपको ये दो बातें पता होंगी तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए इस सवाल में हम वापस लौट के आएंगे। पहले हमें यह समझना है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है और इसके यूजेस क्या है फिजिक्स में। तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, वापस आऊंगा और मैं यूनिट वेक्टर को थोड़ा यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा और यही हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जो बेसिकली यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट, यूनिट का मतलब होता है हमेशा वन। तो एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, सो अ वेक्टर ऑफ यूनिटी मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं अ वेक्टर ऑफ यूनिटी मैग्नीट्यूड और अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है उस लेटर के ऊपर एक ऐसा कैप बनाते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, कुछ यूनिट वेक्टर काफी पॉपुलर हैं वर्ल्ड वाइड, दे आर वेरी पॉपुलर। तो मैं उनका भी जिक्र यहां पे करना चाहूंगा कि वो कौन से यूनिट वेक्टर हैं जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आपको कई बार फिजिक्स में पोजीशंस या पोजीशंस को बताने के लिए कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत होती है। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली द सेट ऑफ थ्री एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैं जिन तीन यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं विच आर वेरी पॉपुलर, सो दीज थ्री यूनिट वेक्टर्स आर करेस्पॉन्डिंग टू दीज थ्री एक्सेस। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर असाइन किया गया है वर्ल्ड वाइड इट इज आई कैप। तो आई कैप स्मॉल लेटर में आई, तो आई कैप, तो आई कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। सिमिलरली अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सेस द यूनिट वेक्टर इज जे कैप and along positive z axis the unit vector is k cap. So these three unit vectors are worldwide popular. लेकिन कई बार हमें ऐसे भी यूनिट वेक्टर डील करने पड़ते हैं जो कि आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है, कुछ और हैं। जैसे मैंने यहां पे ए कैप लिया। अब ए कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है विच इज नॉट आई कैप, जे कैप और के कैप। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है फिजिक्स में, व्हाट इज इट्स यूज, इसका यूज क्या है। तो बेसिकली एक ही यूज है यहाँ पे फिजिक्स में। तो यूनिट वेक्टर का एक सिंगल यूज फिजिक्स में होने वाला है कि यूनिट वेक्टर हम हमेशा यूज करेंगे टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कभी भी हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताना होगा तो वहां पर हम एक यूनिट वेक्टर की मदद लेंगे। तो यूज क्या होगा? टू स्पेसिफाई, टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिंपल शब्दों में कहूं तो डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर की मदद फिजिक्स में लेते रहें। ये हो गया इसका यूज। अब नेक्स्ट थिंग है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे।
सो जब कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका एक सिंगल फॉर्मूला है आप यूज करेंगे, से ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे वीडियोस हैं ये केवल डाउट क्लियरिंग वीडियोस हैं, ये कभी भी आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको डिटेल में चीज़ों को जानना है तो उसके लिए आपको हमारी जो चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट होगी आपको उसे वॉच करना होगा। सो दीज आर दिस वीडियो विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, और अगर आपको एक शॉर्ट नॉलेज चाहिए तो आपको उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसी भी यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का। अब ए कैप का मतलब है, ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप। तो कैसे निकाला हमने यूनिट वेक्टर? हमने उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये मैग्नीट्यूड लिखना भी आपको आना चाहिए कि सपोज अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर विच इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये हमारे पास कोई वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप इसे कईयों को इसका फॉर्मूला पता होगा, इट इज अंडर रूट इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है, जेड कंपोनेंट ए जेड है, इन सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके सम कर दीजिए इनका। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपको उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे और यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला ये रहा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। तो ये आपको हो गया यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर का यूज क्या है हमारे पास, टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप ये समझ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका यूज क्या है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेटर होगा कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो सपोज अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच इज 4i कैप प्लस 3j कैप, क्लियर, या एक और लिख k कैप। तो ये आपके पास वेक्टर, मैं इसको माइनस k कैप कर देता हूं। So it is minus k cap. चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास कि a cap which is a unit vector along a vector divided by mod of a vector. ये a vector हमारे पास है 4, यहां पे i cap होना चाहिए था, it is 4 i cap. सो इट इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, तो ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। डिवाइड करना है मुझे इसी के मैग्नीट्यूड से, तो मैं एक काम करता हूं मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा इट इज 16 प्लस 9 प्लस 1, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ गया अंडर रूट 26। सो यहां पे मुझे डिवाइड करना है मॉड ऑफ ए से विच इज अंडर रूट 26। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं और इसका यूज क्या है। अब हम अपने क्वेश्चन में दोबारा से आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, हमें फाइंड करनी थी वेलोसिटी। सो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो जो वेलोसिटी मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, तो एक तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा विच इज वी, और एक मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी होगी विच इज वी कैप। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, अब साथ में मुझे चाहिए वी कैप। अब वी कैप क्वेश्चन में बोला है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन हमारी ए वेक्टर की है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो वी कैप है इट इज नथिंग बट ए कैप। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होनी चाहिए वही डायरेक्शन ए वेक्टर की भी है। सो ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो जो डायरेक्शन ए कैप की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी, या वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की होगी। सो मैं ए कैप कैसे निकालूंगा, तो बेटर हमें इसको ऐसा लिख देता कि 10 into a कैप बेटर है, क्योंकि मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी रखनी है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर क्या होगा, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो 10 into, अब ए कैप कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। क्लियर? तो ए वेक्टर हमारे पास कितना था, इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो माइनस 4 करोगे तो भी वो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, सो व्हाट यू विल गेट इज 10, और ये जो नीचे वाला टर्म है ये पूरा ये 5 हो जाएगा, तो 10/5 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी कि 2 हो गया, 2 × 3 = 6, तो 6i कैप 2 × 4 = 8 और माइनस 8j कैप, सो दिस इज द आंसर मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के थ्रू यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करना होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और उसका क्या यूज है ये भी आपने समझ लिया होगा।